अमृत के लिए किया गया समुद्र मंथन ब्रह्मांड का सबसे कठिन कार्य था, पर यह भी किया गया हमें कुछ सिखाने के लिए। जिसका मंथन हुआ वो क्षीर सागर हमारा मन है, और समुद्र की ही लहरों की तरह इस मन में भी विचारों के हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते रहते हैं। योग, वेद, आध्यात्म सभी अपने भीतर झांकने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस मन की गहराइयों से ही परम चेतना, परमात्मा रूपी अमृत प्राप्त किया जा सकता है। अब सुर और असुर कौन है? ये है हमारे भीतर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स जिनके बीच में निरंतर सुर असुर संग्राम चलता रहता है। वहीं मंदार पर्वत उस इच्छा शक्ति, विल पावर को रिप्रेजेंट करता है जो चित्त के मंथन के इस कठिन कार्य को करने के लिए आवश्यक है। वासुकी नाग विवेक हैं जो हमारे गुणों और अवगुणों को बांधने और नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। समुद्र का मंथन करना दो लोगों के बिना पॉसिबल ही नहीं था। पहले भगवान विष्णु जो समुद्र मंथन की सलाह देते हैं, और उसके बाद मंदार पर्वत को बैलेंस करने के लिए कूर्म अवतार लेते हैं, और दूसरे महादेव जो हलाहल पीकर सभी की रक्षा करते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को। एक ऐसा गुरु जो सबसे पहले आपको सही राह दिखाए, उसके बाद आपका विश्वास डगमगाने पर सपोर्ट दे, और फिर जीवन की कड़वी सच्चाइयों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना।